मारो मैं सलाम अलैकुम लेवल 4 राइट डाउन द प्लेस वैल्यू एंड इनवर्स। इसमें हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है और उसे इनवर्स में कन्वर्ट करना है। प्लेस वैल्यू, हर नंबर की एक वैल्यू होती है जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने नंबर लिखा हुआ है 23,124। ठीक, अब 24 एंड से हम लोग पता है क्या स्टार्ट करते हैं, जो सबसे राइट हैंड पे पहला नंबर होता है उसे हम यूनिट या वंस कहते हैं। राइट हैंड पे पहला जो वर्ड होता है उसे हम यूनिट या वंस कहते हैं। उसके बाद दूसरे को हम 10 कहते हैं। थर्ड जो नंबर हमारे पास आता है वो 100 की वैल्यू होता है, उसे हम 100 की वैल्यू से पहचानते हैं। फोर्थ उसी तरीके से हमारा 1000 बन जाता है, और जो 5 होता है वो 10,000 की वैल्यू में आता है। अब ये हम रफली हम लोगों ने किया है, शेयर करके उतारते हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया जो सबसे पहला नंबर होता है उसे हम यूनिट या वंस कहते हैं। यहाँ पर मैंने यू लिखा, तरतीब से मैं लिखूँगी। उसके बाद टी यानी टेंस, एच मीन्स 100, टी एच मीन्स 1000। उसके बाद टी डॉट टी एच, पहला टी होगा उसका मतलब 10 होगा, उसके बाद दूसरा 1000 मीन्स 10,000। अब मैं नंबर से उतारती जाऊँगी, 4, 2, 1, 3 and 2। मैंने ये प्लेस वैल्यू तो लिख ली, अब कैसे पढ़ेंगे हम? 23,000 यानी जो 2 था वो 10,000 की वैल्यू में था, जो 3 था वो 1000 की वैल्यू में था। 23,000 100 की वैल्यू में था 100 एंड 24 10 की वैल्यू में क्या था 20 यूनिट, 1 की वैल्यू में क्या था 4। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे 23,000 100 एंड 24 ओके। अब इसे हम नेम में लिखेंगे, वर्ड्स में लिखेंगे, इन वर्ड्स में लिखेंगे इस तरह से 23,000 मैंने बोला और इसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया 23। हमारे पास ये क्या है 1000 में, मैं यहाँ पर 1000 लिखूँ। अब क्या है 100 मैंने बोला और मैंने उसे वर्ड्स में चेंज कर दिया 100 एंड लास्ट नंबर आ रहा है इसलिए मैं एंड लिखूंगी 24। Is it clear? 23,100 and 24. Number 2 है इसी तरीके से हमारा। यही बॉक्स बनाएंगे हम। अब हम तरतीब से नंबर लिखते जाएंगे, सबसे पहले 0, उसके बाद दोबारा से 0 आ रहा है, फिर 4, उसके बाद 3, अब 5। अब इसे हम पढ़ेंगे, यूनिट की लाइन में क्या है 0, 10 में क्या है 0, 100 की लाइन में है 4, 1000 की लाइन में है 3 और 10,000 की लाइन में क्या है 5, 53,000 400 53,400 and
नंबर नहीं आ रहा, तो मैं यहीं तक स्टॉप कर दूँ। ठीक, 53,000 एंड लास्ट नंबर ये है। अब मैं एंड यहाँ पर ले आऊँ, 53,000 एंड 400, क्योंकि ना यूनिट में मेरे पास कोई नंबर है ना मेरे पास टेंस में कोई नंबर है, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली पढ़ूंगी 53,400। अब मैंने इसे प्लेस वैल्यू में लिख दिया, अब मैं इसे वर्ड्स में लिखूंगी 53,000, मैंने बोला और मैंने इसे वर्ड्स में चेंज कर दिया 53,000। इसके बाद एन 400, क्योंकि ना यहाँ पर मेरे पास टेंस में कोई वैल्यू है ना यूनिट में, दोनों में 0-0 है, इसलिए मैं यहाँ पर एंड लगाऊँ 400। दैट्स इट, इसके बाकी के सम्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन फिगर्स। पहले हमने राइट इन नंबर्स लिखा था, अब हमें राइट इन फिगर्स लिखना है, नेम्स में लिखा था, अब फिगर्स में लिखना है। क्या लिखा है हमारे पास, 43,210। 43, मेरे पास क्या आ रहा है सबसे पहले, 43,000 है, 43,000। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, 200। मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, ये 100 की वैल्यू में, 100 में 00 नहीं लगाने, सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना। 43 आ रहा था, मैंने 43 लिखा, 1000 के मैंने 0 नहीं लगाया। उसी तरीके से 200 लिखना था तो मैंने 2 लिखा, 100 के 0 नहीं लगे, एंड 10। अब 10 हमें लिखना होता है, किस तरह से हमें 10 लिखना होता है। अब जहाँ पर जो रकम नहीं होगी, जहाँ पर जो नंबर नहीं दिया होगा, उसकी जगह हम 0 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 10 है, लेकिन यहाँ पर यूनिट नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट कहा है 10, तो मैंने यहाँ पर लास्ट में क्या लगा दिया, यूनिट की जगह पे 0। ठीक, सेकेंड है हमारे पास 81,607। 81,000 मैंने यहाँ पर लिखा, 81। ठीक, बड़ा लिख देती हूँ ताकि नजर आए, 81,000 लिखा हुआ है, मैं 1000 के जीरोस नहीं डाली। इसके बाद 600, 6 लिखा, 6 के जीरो नहीं डाले, एंड 7। यहाँ पर बीच में हमारे पास 10 मिस है, हमें 10 नहीं दिया, तो 10 की जगह मैंने आपको बताया था हमें 0 लगाना है, 10 की जगह पे हमें 0 लगाना है, क्योंकि हमें 10 नहीं दिया हुआ। लास्ट में आ रहा है 7, यूनिट की जगह पर क्या लिख दूंगी मैं, 7, 81,607। थैंक यू सो मच।